क्या किया था लास्ट लेक्चर में? सर क्वोशेंट और डिवीजन रूल, सॉरी क्वोशेंट और ये वाला यूवी मल्टीप्लिकेशन वाला रूल का था सर दोनों, और उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट रूल किया था, असाइनमेंट 2 दिया था सर, असाइनमेंट 2 दिया था। अच्छा, और तो हाँ होमवर्क दिया था, असाइनमेंट 2 प्रोडक्ट रूल वाला होमवर्क दिया होगा, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट रूल। यस सर। और उसमें डाउट्स हैं? यस सर। असाइनमेंट 1 के डाउट डिस्कस कर चुका हूँ, सॉल्यूशन भेज चुका हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो असाइनमेंट 2 के फटाफट डाउट कर लेते हैं। हाँ सर। ओके सर। और उसके बाद नया पढ़ा देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। चलिए फटाफट से चालू हो जाइए, जल्दी जल्दी बताइए। सर 7th और 8th सर। और सर लास्ट वाला भी 7th। नंबर 2 बता दे बेटा। ठीक है सर। 7, 8 और 9, 10 सर। 11th करवाओ ना सर। 11th करते हैं। 9, 10 और 11 और नहीं सर। सर आपकी साइड से अपनी स्क्रीन को पिन करके रखो ना, क्योंकि सर रिकॉर्डिंग के टाइम जब हम देखते हैं ना, तो सर मतलब हम सब के नाम भी बीच में आ जाते हैं, तो सर बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो मैं अपने साइड से स्क्रीन पिन कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर, सर अपने आप अपनी स्क्रीन पिन कर सकते हो। कैसे करूँ बताओ सर? वो जो राइट में घुमाओगे तो सर वो ग्रिड्स आते हैं ना, सब अलग अलग लोगों के सब फोटोज के साथ। हाँ हाँ सर। गैलरी के फोटो को डबल टैप कर लियो। नहीं हाँ, उसके ऊपर देखो सर ब्लू कलर का होगा एक। अरे वो तो ठीक है, वो तो मैं करके ही रखता हूँ जो आप कह रहे हो ना सर। आपके सब चुप। ये जो इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का ये बॉक्स आ जाता है ना? नहीं नहीं सर, वहाँ पे ऊपर लिखा आता है पिन वीडियो। हाँ सर पिन वीडियो। हाँ सर, आप किसी की स्क्रीन के मतलब जाओगे तो ब्लू कलर का एक आता है उसके ऊपर, तो उसके अंदर रहता है पिन वीडियो। सर या तो ब्लू कलर का नहीं, खाली वो स्क्रीन को डबल टैप कर दो। हाँ हाँ, स्क्रीन टॉप पे की टैब है। पिन नहीं करते मैं अभी आईपैड यूज कर रहा हूँ। हाँ सर, तो टैब में सर डबल क्लिक करना पड़ता है वीडियो पे। हाँ डबल क्लिक कर दिया। अब आपके वीडियो पे डबल क्लिक कर दो, फिर हो जाएगा। कर दिया तो अभी तुम लोग बोल रहे हो तो तुम लोगों का आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर हमारे साइड से नहीं, जब रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो सर तब होता है। जैसे अभी तुम लोग बोल रहे हो तो मुझे तुम लोगों का नाम नहीं आ रहा है सर। ऐसा यूट्यूब में डालोगे ना सर, तो आप हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर हम लोग का नाम आ जाता है आपका बोर्ड। अरे भाई वो मैं समझ गया प्रॉब्लम। मैं समझ गया प्रॉब्लम, मुझे पता है सोल्यूशन। बताओ सर, आपने उधर से अभी डबल टैप कर दिया ना, तो मोस्टली अभी नहीं होना चाहिए वो प्रॉब्लम। सर हम लोग बोल रहे तो हम लोग का स्क्रीन नहीं आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी लेकिन अभी आ तो रहा है। तुम्हारे साइड से टैप नहीं, जैसे आप लोग अभी बोल रहे हो ना, तो आप लोगों का कोई स्क्रीन नहीं आ रहा है मेरे सामने। हाँ सर सही है, सही है सर, यही था। तो ये तो मैं पहले से कर रहा हूँ, शुरू के वीडियो में ऐसा नहीं मिला होगा सर। नहीं कैलकुलस के अभी सर लास्ट लेक्चर में भी नहीं था। अच्छा हो सकता है लास्ट में भूल गया हूँ, बट मैं मोस्टली ये करता हूँ। हाँ इनिशियल फर्स्ट सेकंड लेक्चर में शायद मैं नहीं करता था, तो उस समय ऐसा नहीं होगा, बट अब तो करता ही हूँ। अभी देखो किसी का नाम नहीं आ रहा है, तुम लोग बोल रहे हो तो। नहीं सर, क्योंकि यूट्यूब पे जब देखते हैं ना तो सर कभी कोई बोल देता है ना तो सर चला जाता है, फिर बहुत डिस्टर्बेंस होती है इसलिए। अच्छा कोई नहीं, आपको मैंने अभी मैसेज भी किया था इस पे। मैसेज किया था? नहीं देखा मैं मोबाइल। अच्छा यहाँ पे चैट में। हाँ हाँ देखा मैं, देखा योजित। ठीक है, डबल टैप किया हुआ है, मोस्टली नहीं होगा, और फिर अगर होगा तो मुझे जस्ट मैसेज कर देना, मैं डेस्कटॉप वर्जन पे देखूंगा इसमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं, कर देंगे। ठीक है सर। होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो भी कर देंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाएंगे। लो अब मेरा ये डेस्कटॉप कहाँ गया जिसमें क्वेश्चन दिखेगा। चलो
लैपटॉप ओपन हो रहा है होता रहेगा, मुझे क्वेश्चन बता दो तो क्या है सेवन, कोई एक लिखा दो। क्या है क्वेश्चन बोलिए, मेरा स्क्रीन दो मिनट में ऑन हो जाता तक बता दो खाली क्वेश्चन। सेवन क्या था? If f of 2 is equal to minus 8, then f dash of 2 is equal to 3, g of 2 is equal to 17, and g dash of 2 is equal to minus 4. पहले क्या है? f of 2 sir. f of 2 is minus 8. Minus 8. अच्छा, और dash of 2 is 3. f dash of 2 is 3. और g of 2 is 17. p नहीं, g. g of 2 is 17. 17. और of 2 is minus 4. g dash of 2 is minus 4. ऐसा? हाँ. हाँ. Then determine the value of f g dash of 2. f of f g dash of 2. G dash of 2. 2. सर एफ जी डैश पूरा ब्रैकेट में है। अच्छा ऐसा है, ऐसा? हाँ सर। तो एफ डैश का मतलब समझ में आता है? एफ का डिफरेंशिएशन? हाँ सर। अच्छा एफ का डिफरेंशिएशन। जी डैश का मतलब जी का डिफरेंशिएशन? एफ इनटू जी डैश मतलब एफ इनटू जी का डिफरेंशिएशन? ओके हाँ। है ना? तो प्रोडक्ट रूल से हम ये लिख सकते हैं एफ इंटू जी का डैश इज, पहले एफ को बाहर रखा जी का डैश प्लस दूसरी बार जी को बाहर रखा एफ का डैश। हाँ सर। प्लस दूसरी बार जी को बाहर रखा एफ का डैश, ये होगा? हाँ सर। तो यहां से हम एफ इंटू जी का डैश at 2 is equal to f at 2 into g dash at 2 plus g at 2 into f dash at 2, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। तो सारे वैल्यू दिए हुए हैं, f of 2 minus 8, g dash of 2 minus 4, g of 2 17, f dash of 2, 3, 83 आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। सर हाँ सर, आपने वो जो ब्रैकेट में लिखा ना f f मल्टीप्लाइड बाय g द होल डैश, हाँ, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसा करेंगे ना? मतलब हेलो सर। हाँ हाँ सर, जो एफ टू का वैल्यू दिया है वो लोग ने माइनस एट दिया, अपने प्लस कंसीडर किया है। हाँ, तो एफ का माइनस टू दिया है और जी डैश टू भी तो माइनस फोर दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, मुझे लगा आपने नेक्स्ट स्टेप में ही। हाँ सर, हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है क्या? एक मिनट सर। हाँ सर, मोस्टली सिमिलर ही है। हाँ सर, हो जाएगा। नहीं नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है तो बोलिए क्या है जरा सा। सर उसमें दिया है कि f of x is equal to x cube g of x। एक सेकंड सर, मेरा खुल गया क्या लैपटॉप? सर आप आंसर भी ब्लैक कलर के मार्कर से लिख सकते हैं क्या? बीच बीच में ब्लर हो रहा है थोड़ा। ठीक है, रेड हटा देता हूँ, ब्लैक से ही लिख देता हूँ। थैंक यू सर। लैपटॉप खुलने में टाइम लगा। बताइए एट क्या है, बताइए तो। इफ f of x is equals to
f of x is equal to x cube into g of x. x cube into g of x. G of minus 7 दिया है सर. Equals to 2. G of minus 7 2 है. और g dash minus 7 equals to minus 9 दिया है. G dash minus 7 is equal to minus 9. हाँ, तो f dash minus 7 find out करना है. अच्छा, तो find f dash minus 7 यही ना? हाँ सर. एकदम चिंदी है ये तो. ये तो उससे भी आसान है. देखो, इसको differentiate करो. इसको differentiate करोगे तो f dash x is equal to gx को बाहर रख. तो gx को बाहर रखा. x cube को differentiate करो तो 3x square प्लस दूसरी बार एक्स क्यूब को बाहर रखो और जी एक्स को डिफरेंशिएट करो तो जी डैश एक्स हो गया. इसी एक्सप्रेशन में पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन. ओके, तो ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ माइनस सेवन इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस सेवन इंटू थ्री इंटू माइनस सेवन स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का होल क्यूब इंटू जी डैश ऑफ माइनस सेवन. हाँ सर, सब कुछ दिया हुआ है. हाँ सर, जी ऑफ माइनस सेवन माइनस नाइन इंटू थ्री इंटू 49 माइनस सेवन का होल क्यूब क्या होगा, माइनस और सर माइनस 343 और जी ऑफ माइनस सेवन माइनस नाइन तो माइनस माइनस जी ऑफ माइनस सेवन टू है. अच्छा, ये सब मिला के 343 बोल रहे थे सर. जी ऑफ माइनस सेवन टू है ना. हाँ सर, g ऑफ माइनस सेवन टू है. सॉरी, हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा ना आपसे. मैं क्या करूं इसको. हाँ हाँ सर, हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, मेरा लैपटॉप खुल गया. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 आ जा. हाँ, fx दिया हुआ है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस. इसको इरेज कर दूँ? हाँ सर. आप लोगों में से जो भी लोग बायो वाले हो, ज्यादा लोड मत लो, सीखते चलो. जितना सीख लोगे अच्छा है. वैसे बहुत ज्यादा ये सब आपको यूज नहीं आने वाला है.
आपको कैलकुलस का बेसिक x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n इनटू x रेज टू n माइनस 1 होता है और कुछ फॉर्मूले वो याद रहे मोर देन सफिशिएंट है। बस मेरी आदत है पढ़ाने की तो टाइम है फुर्सत है तो डिटेल में थोड़ा सीख। वैसे ये सब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट ये सब बहुत ज्यादा बायो वालों को यूज नहीं आएगा, बहुत कम रेयर छोटा छोटा x रेज टू n का डिफरेंशिएशन और कुछ फॉर्मूला याद रहे उसमें से काम चलेगा, लेकिन सीख लेंगे तो और अच्छा है। और क्या चलिए f of x is 1 plus 12 root x yes sir plus 12 root x whole multiplied with 4 minus x square। हम लोगों से पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x is equal to 9 यही पूछा है। हाँ सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x is equal to 9। सबसे पहली चीज जब x की वैल्यू इसमें 9 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर एक सेकंड -2849। हाँ सर -2849 पक्का सर। हाँ सर तो -2849 यही ना। हाँ सर सर फोर नाइन ठीक है। हाँ सर अब देखो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए f dash x चाहिए डिवाइड बाय d तो ये u इनटू v तो पहले 4 माइनस x स्क्वायर को बाहर रखा। अब बोलो बोलो कुछ पूछ रहे हो कोई तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 12 ऐसे ही रह गया रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस दूसरी बार इसको बाहर रखा दैट इज 1 प्लस 12 रूट एक्स को और इसको डिफरेंशिएट किया तो 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x तो ये मेरा हो गया फाइनली 6 upon root x into 4 minus x square minus 2x into 1 plus 12 root x। तो ये जो मेरा f dash x मिल गया मुझे क्या चाहिए स्लोप एट x is equal to 9 चाहिए। हाँ सर तभी 9 पुट करेगा ना x की वैल्यू x is equal to 9 चाहिए तो यहाँ पर पुट कर दीजिए f dash 9 x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा तो क्या ये हाँ सर ये हो गया 4 माइनस 9 स्क्वायर 81 यस माइनस 2 इनटू 9 और ये हो गया 1 प्लस 12 इनटू 36 हो गया। हाँ सर 3 2 जा 6 यस सम कर लोगे कितना आएगा सर 2 एक सेकंड 2029 है ना शायद सर नहीं मतलब मुझे स्लोप मिल गया। हाँ सर माइनस हाँ सर माइनस 820 आ रहा है सी इज इक्वल टू माइनस 820 स्लोप ऑफ तो टेंजेंट का इक्वेशन मान लेते हैं y equals to mx plus c. y is equal to mx plus c ये tangent का equation है m की value minus 820 तो y is equal to minus 820 x plus c अब ये c चाहिए तो हम लोगों को मालूम है x is equal to 9 y is equal to 2849 satisfy करना चाहिए। हाँ सर it must pass through nine comma minus 2849 तो value put कर दीजिए minus 2849 is equal to minus 820 into 9 plus c तो यहाँ से c की value क्या मिलेगी बताइए
4531 वेरी गुड. सो फाइनली इस c की वैल्यू को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे आंसर मिल गया y is equal to -820x plus 4531. ये हमारा आंसर हो गया सर. हाँ सर, ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में x की जगह पे जो रिक्वायरमेंट है, मतलब x is equal to 9 दिया है, तो वो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो y का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट होगा ना. हाँ वो y का वैल्यू हो. ओके थैंक यू सर. सर मैंने वो y minus y1 is equal to mx minus x1 का किया वो फॉर्मूला. ठीक है चलेगा. उससे भी चलेगा. सर हो गया लिख के. हो गया आगे बढ़े. हाँ सर. इरेज कर दूँ? बोलो. हाँ सर. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 10. एक फंक्शन दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एट एक्स स्क्वायर, वो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है ये देखना है. तो फंक्शन इज x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एट एक्स स्क्वायर. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए थ्योरी बता चुका हूं कि dy बाई डी एक्स जी जहां जहां पॉजिटिव होता है वहां वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां डिक्रीजिंग है, और जहां जहां जीरो है वहां वहां कांस्टेंट है. यस सर. यस सर. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं. dy बाय dx कोसेंट रूल है तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज 1 प्लस 8x स्क्वायर को इनटू 1 माइनस 2x डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट किया तो x का 1 और x स्क्वायर का 2x. सो 1 माइनस 2x माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा तो x माइनस x स्क्वायर 0 माइनस 16 स्क्वायर. डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 16x
और 8x स्क्वायर का 16x, हाँ तो ये कुछ ऐसा हो गया 1 माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब माइनस ये हो गया 16x और ये माइनस 16x स्क्वायर ना सर 16x क्यूब ये 16x स्क्वायर और ये 16x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो देखेंगे ये 16x क्यूब और ये 16x क्यूब कैंसिल हुआ हाँ सर तो ये दोनों मिला के हो गया माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये कुछ ऐसा हो गया 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर अब ऊपर वाला टर्म फैक्टराइज हो सकता है क्या हाँ सर हो सकता है सर 1 माइनस होगा फैक्टराइज ओके माइनस ऑफ 1 बाय 4 और हाफ क्या 4x 1 माइनस 4x 1 2x माइनस 1 का माइनस माइनस क्या लिखो बोलो 1 माइनस 4x प्लस 1 1 माइनस 4x 1 प्लस 2x इनटू 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8x स्क्वायर सर वो नेगेटिव कॉमन लिया है ना सर इसलिए वो सर वो 1 प्लस 4x आएगा और माइनस 2x आएगा नहीं बराबर है सही है सर सही है नहीं सही है सर सही है सर माइनस बाहर नहीं नहीं सही बोल रहा है शायद वो नहीं सर नहीं 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 सर बराबर है सॉरी सर बराबर है वही सर ये माइनस बाहर लेने के बाद भी यही आएगा हाँ सर।, सर ये आएगा सॉरी सर अरे सर x का वैल्यू फाइंड आउट करते ना माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट करो यहाँ माइनस साइन है तो यही होगा हाँ सर हाँ सर यही होगा ये माइनस तब ऐसा गलत होगा क्योंकि सब माइनस फोर एक्स इनटू टू एक्स करेंगे तो माइनस एट एक्स स्क्वायर हो रहा है ना ये वो इधर प्लस है अगर ये माइनस इधर है माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सर ऐसा होगा देख लो ठीक से एक बार एट एक्स स्क्वायर हाँ सर सही है अब शायद से हाँ अब सही है तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है हाँ सर तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है अब x की दो वैल्यू मिल गई एक हाँ सर 1 by 4 और दूसरा प्लस 1 by 4 है ना तो माइनस 1 by 2 से प्लस 1 by 4 के बीच का कोई वैल्यू डाल दो मान लो 0 पुट कर दो पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा पॉजिटिव सर तो ये पॉजिटिव होगा तो सर राइट में नेगेटिव 4 से ज्यादा कुछ पुट कर दो 1 पुट कर दो देखो क्या आता है नेगेटिव और माइनस हाफ से कम मतलब माइनस 1 पुट करके देखो नेगेटिव सर नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है हाँ इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है हाँ और इसमें फंक्शन फिर डिक्रीजिंग है ऐसा कुछ तो हम आंसर बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन 1 बाय 4 टू इनफिनिटी इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा हाँ सर और x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू 1 बाय 4 इसमें फंक्शन इंक्रीज होगा यस सर आया समझ में कॉपी कर लीजिए मुझे लगता है 11 फिर से समझाओ क्या समझाओ बोलो बताओ कहां पर स्टार्टिंग से मतलब ओ गलत हो गया
गलत दबा दूंगा। ये u by v है दिख रहा है? तो u by v that is quotient rule के मदद से हमने dy by dx निकाल लिया। और dy by dx का साइन चेक किया कि कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। सर एक बार कर्व कैसा है समझा दो ना फिर से। क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए। सर वो कर्व कैसे आया वो समझा दो ना फिर से। अरे कर्व को कर्व का मतलब नहीं है। dy by dx माइनस इनफिनिटी से 1 by 2 तक में नेगेटिव है। कर्व को मानो कर्व में नहीं बनाते कर्व नहीं कोई कर्व नहीं। ओके सर ओके कोई कर्व नहीं है नेगेटिव है जिसमें उसमें डिक्रीजिंग पॉजिटिव है उसमें इंक्रीजिंग और नेगेटिव फिर है उसमें डिक्रीजिंग। कर्व का कोई मीनिंग नहीं है कर्व से कोई नहीं मतलब है। आया समझ में? हाँ सर। मुझे लगता है 11th खुद हो जाएगा अब। नहीं सर। सर उसमें ना सर एंड में प्रॉब्लम आ रहा है सर जो लास्ट क्वेश्चन बन रहा है ना उसमें। हाँ कर देता हूँ घबराओ मत। 10th कॉपी कर लीजिए फिर 11th कर देता हूँ। सर सर हम लोग ने इंटीग्रेशन अभी तक चालू नहीं किया। हम लोग करने वाले हैं क्या आज? क्या इंटीग्रेशन अभी आज नहीं चालू कर रहे राइट? नहीं नहीं अभी इंटीग्रेशन में बहुत टाइम है। ओके ओके सर अभी तो डिफरेंशिएशन ही सीखेंगे अभी टाइम है घबरा मत। यस सर पूछ रहा था सर। हां सर तो आज एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स करने वाले हैं क्या? ये जो करते हो ना ये सब जो कर रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ जा रहा है। ओके सर समझ गया सर। यस थैंक यू। 2+1/4 एक्स की वैल्यू है ना। हाँ ये कहाँ कहाँ पर जीरो होगा तो 1/4 पर और -1/2 पर। तो ये दोनों पोजीशन पर dy by dx जीरो होगा। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव इसके बाद नेगेटिव इससे पहले नेगेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है मैं हर लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन ऐसा डाल दिया हूँ जिससे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव साथ साथ होते जा रहा है। ओके सर फिर धीरे 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 इसमें काइनेमेटिक्स घुसेर देंगे कुछ दिनों के बाद। ओके सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव साथ साथ चलता रहेगा। ओके सर इसको रेज करूँ चलेगा? हाँ सर। सर वो आपने जो बोला वो होता क्या है? क्या बोला मैं? वो डेरिवेटिव कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यहाँ दिख ही रहा है कि फंक्शन कब इंक्रीज कब डिक्रीज करेगा ये फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। Okay, दूसरा एप्लीकेशन सीखा कि डिफरेंशिएशन की मदद से किसी भी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं है ना? Yes, sir. तो ये दो एप्लीकेशन तो फर्स्ट डे से चल ही रहा है। हाँ सर। हाँ सर तो जैसे ही पूरा डिफरेंशिएशन होगा एक दो और एप्लीकेशन देख लेंगे। ओके ओके चलिए 11 देखिए। इलेवेंथ में है v एज अ फंक्शन ऑफ t क्या दिया है 4 - t² 1 + 5t² 4 - t² × 1 + 5t² ये भी कर सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर डिफरेंशिएट कर दे। हाँ सर प्रोडक्ट रूल सीखना है इसीलिए ऐसे ही लिख देते हैं। सर प्रोडक्ट रूल से मुझे b - t मिल जाएगा।
पहले 4 माइनस t स्क्वायर को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो 1 का 0 प्लस 10t प्लस दूसरी बार 1 प्लस 5t स्क्वायर को बाहर रखा और इसको डिफरेंशिएट किया माइनस 2t, तो ये हो गया 40t माइनस 10t क्यूब माइनस 2t माइनस 10t क्यूब, ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें से मुझे 2t कॉमन दिखता है। हाँ सर। तो 2t तो 40 में से 2 गया 38। हाँ 38 16t 19 हो गया 18 ना 19 सर। तो यहाँ से मुझे t की दो वैल्यू मिलती दिखाई दे रही है। हाँ सर। तो t इज इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू अंडर रूट 19/10। हाँ सर। मिल रहा है ना? यस। तो अब कर लो, क्या बताऊं मैं, कुछ बताना है क्या? हाँ सर, हो गया, हो जाएगा। साइन पर अरेंज कर लो, एक हो गया t इज इक्वल टू 0, एक हो गया t इज इक्वल टू अंडर रूट 19/10। 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यू को पुट करके देखो t का, नहीं तो पॉजिटिव आएगा ना, माइनस होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, इधर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 19/10 ऐसा कुछ। हाँ सर। ऑलमोस्ट 1.3 के आसपास होगा, 1.9 का रूट है ना, तो 1.3 से इधर माइनस 2 वैल्यू पुट रख के देखो तो माइनस 2, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यस। नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव क्या, फिर नेगेटिव हो गया। ओके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस इनफिनिटी से माइनस रूट 19/10 यूनियन 0 से अंडर रूट 19/10, इसमें इंक्रीजिंग होगा, फिर माइनस 19/10 से 0 तक यूनियन अंडर रूट 19/10 से इंफिनिटी तक, इसमें डिक्रीजिंग होगा, ये हमारा आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो अब आगे पढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए। हाँ सर।
डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हेडिंग लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हो गया सर. हाँ सर. अच्छा अब जो कहता हूँ वो सुनो. जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन 1 डिग्री का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, मुश्किल है. हाँ सर. है ना, कैलकुलेटर है आप लोगों के सामने. हाँ सर. तो 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 57.6. बट गधे, 1 डिग्री को रेडियन में 1/57 वही. 180 डिग्री इज पाई रेडियन. हाँ सर. सर 0.017 है ना, तो पाई बाई 180 होगा. हाँ सर. हाँ तो जरा कैलकुलेटर में पाई बाई 180 देखो कितना होता है. पाई बाई 0.0175. हाँ सर. हाँ अब उसी कैलकुलेटर में साइन 1 डिग्री की वैल्यू चेक करो. देखो सेम है. एक सेकेंड सर. हाँ सर 0.0175. इस बात से साइन ऑफ 2 डिग्री की वैल्यू 2π/180 होगी. करके देखो. एक सेकेंड सर. साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2π/180 होगी. हाँ सर. एरर 0.034. हाँ बराबर है. हाँ सर 0.034. हाँ सर 0.034. तो ये दोनों तो अब एग्जैक्टली तो आपको समझा नहीं सकते, उतना मैथ्स आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये एग्जांपल से सिर्फ मैं एक चीज कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू लगभग बराबर होती है. हाँ सर लगभग बराबर होती है. है ना. Yes, अच्छा देखोगे टेन 1 डिग्री का भी इतना ही वैल्यू है. एक सेकंड सर. देख लो टेन 1 डिग्री टेन 2 डिग्री सेम वैल्यू. सर थोड़ा एकदम आगे जाके टेन ऑफ 1 डिग्री और टेन ऑफ 2 डिग्री देखोगे तो वही वैल्यू आएगा जो साइन ऑफ 1 डिग्री और साइन ऑफ 2 डिग्री को मिलता है. सेम है. तो फिर हम एक बात समझ गए कि अगर थीटा छोटा हो तो टेन थीटा और थीटा की वैल्यू सेम होती है. है ना. हाँ सर. यहीं से तीसरी बात और समझ गए कि अगर साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है तो कॉस थीटा की वैल्यू जरूर 1 होगी. हाँ सर 1 होगी. हाँ सर. तो ये तीनों बातों को हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा. ये तो मैं कॉमन सेंस के हिसाब से समझाने के लिए बोला. इसी बात को अगर मुझे मैथमेटिकल लैंग्वेज देना है तो इसका मतलब हुआ. लिखना मतलब ही कोई हेडिंग लिख लिया है सबने. डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यस सर. यस सर. तो इसका मतलब हुआ कि इसी बात को कहने का तरीका है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1. वही बात हो गई जो मैंने बोला था. हाँ सर एग्जैक्ट सेम ही होता है. इसी तरह लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज 1 इसका ये मतलब हो गया. हाँ सर. हाँ सर. फिर इसी का मतलब हो गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा इज 0. हाँ सर इज 0. यस. तो मैंने जो आपको बोला
उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही हो गया। यस सर। यस सर। अब लैंग्वेज में बोला लेकिन मैथ में जब तक कुछ सिंबल विंबल में नहीं लिखेंगे लगेगा नहीं ना कि कोई हाईफाई साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉमन सेंस है उसी को थोड़ा हाईफाई साइंस बनाने का तरीका है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसकी जरूरत अभी नहीं है। अब हमारा काम है आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन को निकालना। तो चलो हम कोशिश करते हैं d by dx of sin x ढूंढे कि कितना होता है। तो डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से इसको मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x बाय साइन ऑफ डेल्टा x लिखूंगा मैं। हाँ सर। साइन सी माइनस साइन डी मालूम है कितना होता है? टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू तो टू एक्स हो गया दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू। हाँ सर यही होगा। सर एक सेकेंड, या कुछ गलत हो गया पहले वाले में c माइनस d बाय 2 है ना, तो सर 2 किधर गया सर? तुम क्या बोल रहे हो सर? x प्लस x बाय 2 आएगा ना, 2x प्लस x बाय 2 आएगा ना सर फर्स्ट वाले में? पहले वाले डेल्टा x बाय 2 आएगा ना, डेल्टा x बाय 2 आएगा ना सर, 1 प्लस डेल्टा x बाय 2। कहां पर 1 आएगा बेटा? अरे सॉरी सर, डेल्टा x बाय 2 आएगा ना सर, sin ऑफ डेल्टा x बाय 2। हाँ साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू होगा, ये सही तुम्हारा सर। सॉरी सर कंफ्यूज। ठीक है। हाँ सर। तो अब देखो, अब इसको मैथ की भाषा में अगर मैं कहूं तो ये टू का टू, ये साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू, डेल्टा एक्स बाई टू ही होगा। नहीं? हाँ सर। नहीं होगा तो बोलो, कोई बात नहीं, नहीं होगा सर। डेल्टा सर आपने साइन ऑफ एक्स को डिवाइड थोड़ी किया है, साइन एक्स बाय टू से डिवाइड थोड़ी किया है। चलो डिवाइड करेंगे इसको, मैं यहाँ टू लिख देता हूँ और यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, ये टू और ये टू गया तो ये हो गया साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय टू, ऐसा लिख सकते हैं, इनटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। हाँ सर। सर अभी वो वन हो जाएगा और इनटू कॉस ऑफ, ये वैल्यू वन हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, ये ऐसा हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x बाय टू। हाँ सर, अभी डेल्टा x को जीरो कंसीडर कर लेंगे तो अब ये वैल्यू cos x हो गया। हाँ सर, एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यस सर। ये बीच की सारी कहानी आप भूल जाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए, ये याद ही रहेगा आपको रखना है। हाँ सर, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। बीच की चीजों की जरूरत आपको शायद जीवन में कभी नहीं पड़े, बट मेरा फर्ज था एक बार बताना, इसलिए बता दिया। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो मतलब ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ही है सर? स्क्रीन बहुत ब्लर हो गया है। बिल्कुल नहीं। हाँ सर, वो है कोसाइन साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू, क्लियर है सर एकदम? सर दिख रहा है सर, कह रहा है एकदम क्लियर है सर। सर सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। तो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन ले सुनो। ओ भाई साहब, अभी इतनी कहानी सुनाई कि साइन वन डिग्री की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही होता है,
बताया था ना जब थीटा की वैल्यू छोटी होती है, बताया था, बोलो हाँ या ना। तो जब थीटा और साइन थीटा का वैल्यू बराबर है तो साइन थीटा कॉस थीटा वन ही होगा। हाँ, ठीक है, ओके। सर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, मतलब उसका रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के बराबर होता है सर। बोलो बोलो सर। नहीं मतलब रेट ऑफ चेंज इन, हाँ मतलब कोई अगर साइन का फंक्शन है तो उसका रेट ऑफ चेंज कॉस का फंक्शन होगा। सर मतलब कॉस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? नहीं ऐसा थोड़ी ना हुआ, मैंने कहा अगर कोई फंक्शन साइनोसॉइडली साइन के हिसाब से चेंज कर रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज कॉस के बराबर होगा। अच्छा ओके सर। जैसे कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो कोई चीज एक्स स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज 2x हुआ, वैसे ही कोई चीज साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज कॉस होगा। तो सर अगर कॉस के सब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस तो साइन में बचे ना, अभी करेंगे ना साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक सबका करेंगे, अभी घबराओ मत। ओके ये पहले कॉपी कर लीजिए फिर बताता हूँ सर। होगा ओके आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़े। हाँ सर रिलीज करूँ? यस सर। अब मान लेते हैं ये फर्स्ट था तो अब ये सेकेंड होगा, साइन की जगह मुझे कॉस का डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब ये कॉस एक्स यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर भी कॉस होगा, होगा हाँ। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या फॉर्मूला होता है? माइनस टू साइन 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 ऑफ डेल्टा एक्स बाय टू और एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, वही होगा सर। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बोलो? माइनस टू साइन सी माइनस टू साइन सी माइनस डी बाय टू इंटू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी प्लस डी बाय टू। हाँ सर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। ओके तो यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ एक माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ साइन हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और साइन एक्स हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो
तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। सर लिख लो, कॉपी कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करके सीखोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। आराम से सीखो, एकदम मस्त, जिंदगी में कभी नहीं भूलो ऐसा वाला। हो गया, हो गया। अब देखो साइन और कॉस, साइन और कॉस का फॉर्मूला मिल गया। हाँ सर। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। हाँ सर। और कोसेंट रूल मालूम है? हाँ सर। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं सर। निकाल yes, के देखिए, d by dx और tan x निकाल सकते हैं? हाँ सर, ट्राई करता हूँ। जल्दी ट्राई कीजिए, tan cot से cosec सब अब आप निकाल सकते हैं। sin और cos का फॉर्मूला याद हो गया, तो बाकी जितने फॉर्मूले हैं आप खुद निकाल सकते हैं, सबका प्रूफ आप खुद कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज? हम लोगों ने सीखा कि d by dx of sin x cos x के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने सीखा d by dx of cos x minus sin x के बराबर होता है। फिर हमें अभी सीखना है कि d by dx of tan x कितना होता है, निकाल के बताइए। फिर सीखना है d by dx of cot x कितना होता है, निकाल के बताइए। फिर सीखना है d by dx of sec x कितना होता है, निकाल के बताइए। फिर सीखना है d by dx of cosec x कितना होता है, क्योंकि sin और cos मालूम है, तो बाकी सब तो cosec rule से हो ही जाएगा। सर 1 upon sin square x tan x 1 upon minus sin square x। अरे वो स्क्वायर हो जाएगा ना ब्रो। हां हां सॉरी, दोनों गलत। 1 upon cos square x, yes sec square x, tan x का डिफरेंशियल विल बी sec square x। आप लोग ऑल सिक्स खुद निकालो, नहीं होगा तो फिर मैं एक एक करके सब निकालता हूँ। पहले जल्दी से आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, 15 मिनट। सर cot x का cosec square x आता है? नहीं सर, वो cos कैसा है? नीचे 1 by cos 1 minus tan square x, तो फिर cosec x minus cosec square x। हाँ, cot का minus cosec square x। हाँ सर, minus cosec square x। फिर tan का क्या था? tan का sec square x। हाँ सर।
sec x का sin x by cos square x आ रहा है। गलत आ रहा है। sec x का sec x tan x है क्या? हाँ, sec x का sec x into tan x। हाँ सर, हो गया। सर वही ना, sin divided by cos square x को simplify करके। So sec x is tan x into sec. Yes. Sec x. Yes, tan x into sec x. Sir, cot x ka minus cos x square x ho sakta, minus cos x square x hoga na sir? Haan, cot ka minus cos x square x. और सर सेक वाले लॉजिक से ऐसे कोसेक का भी कोसेक एक्स और वैसे सॉल्व करते हैं का माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। हाँ, माइनस कॉट एक्स इनटू कोसेक एक्स सर प्लस एक। सर मैं ट्राई करता हूँ। सॉरी। हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स। Minus cot x into cosec x. सर हाँ सर sec x का माइनस tan x है। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। माइनस tan sec है sec x का? नहीं नहीं, मैं लिख देता हूँ। tan का sec square x, cot का माइनस cosec square x, sec का sec x into tan x और cot का माइनस cosec x into cot x। हाँ सर। इसमें से देखो मुझे कौन कौन बताना है, बोलो। एक तीन थर्ड सर सिक्स वाला बता दो। कौन सा सिक्स वाला? सेक का भी बताइए सर। सेक का भी बता दो। फिफ्थ वाला बताऊं? हाँ सर। आइए फिफ्थ वाला देखिए। थर्ड थर्ड क्या? टेन वाला बताऊं? तो d by dx of tan x, इसका मतलब हो गया d by dx of sin x upon cos x। तो u by v, तो नीचे हो गया cos स्क्वायर x, ऊपर पहले cos को बाहर रखा, sin को डिफरेंशिएट किया तो वो भी हो गया cos x माइनस, दूसरी बार sin को बाहर रखा और cos को डिफरेंशिएट किया तो cos का माइनस sin होता है, माइनस माइनस प्लस sin x। तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos square plus sin square 1 होता है, तो 1 plus cos square x, 1 upon cos square x, cos square x, ये हो गया थर्ड का आंसर। आया समझ में कि नहीं? बोलो किसके स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर।
हो गया, इसको इरेज करूं टेन वाले को? हाँ अम्मा वहाँ इधर नहीं बोलिए कौन सा बताऊं सेक बताओ ना सेक वाला d by dx of sec x sec x मतलब d by dx of 1 by cos x again डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर है ऊपर पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा न्यूमरेटर 1 को डिफरेंशिएट किया 0 माइनस दूसरी बार 1 को बाहर रखा डिनोमिनेटर दैट इज cos x को डिफरेंशिएट किया तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस और sin x तो cos x * 0 0 तो ये हो गया sin x अपॉन cos स्क्वायर x मतलब ऐसा लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x ओके हां सर समझ गया cos x तो ये हो गया sec x * tan x हाँ सर सर टेन का जो वैल्यू है उसको हम लोग सर कॉट का सॉरी उसको टेन में फाइंड आउट कर सकते हैं ना कॉट का वैल्यू को 1/10 करके हाँ सर वैसे भी कर सकते हैं यही आएगा और बोलो क्वेश्चन बताना है या हो गया सर अब निकाल लूंगा अब हो जाएगा सर बट एनीवे हाँ सर हो जाएगा ये जो छह है ना इसको आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको फिंगरटिप पे याद रहना चाहिए ओके सर ये तो मैं अभी तक ऑप्शन से फॉर्मूला डिराइव कर रहा था बट एज सच ये सब फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए ठीक है अब चलिए प्रैक्टिस हाँ के सर. लिए कुछ कराता हूँ फाइंड dy by dx इफ क्वेश्चन नंबर वन y इज इक्वल टू x tan x क्वेश्चन नंबर टू y इज इक्वल टू sin x अपॉन x क्वेश्चन नंबर थ्री y is equal to 3 sin x upon 1 plus 4 cos x. Question number 4, y is equal to sin x minus cos x upon sin x plus cos x. Question number 5, y is equal to 1 plus tan x upon 1 माइनस tan x के पांच क्वेश्चन करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल सबका रिवीजन हो जाएगा एक ही बार में
सर फर्स्ट का आंसर tan x into 1 plus x sec x. देखेंगे, कोशिश कीजिए पहले एक बार. तो यही कुछ कुछ लिख दिया, सॉल्व करते हैं. मैंने x tan x में से x को लेफ्ट साइड में रखा, होल नंबर वैसे करते हैं ना फॉर्मूला से. प्रोडक्ट रूल है, u into v वाला रूल लगेगा. हाँ सर, वैसे 31x में 31 को लेफ्ट साइड में रख सकते हैं. हाँ तो करो करो, सॉल्व करो. सर आंसर x square x plus 45 means. देखते हैं, सबका आंसर मैं लिख दूंगा, घबराओ मत. अब तुम पांचों कर लो एक बार, मैं सबका आंसर लिख दूंगा. हाँ सर. सर हो गए, सारे हो गए. हाँ सर, सबने अटेम्प्ट कर लिया. आंसर लिखना शुरू करूं?
सर ठीक है चलो फटाफट देखो फर्स्ट का आंसर होगा शायद टेन एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स फर्स्ट का आंसर आया हाँ सर ठीक सर हाँ सर आ रहा है सर सही है सर सही है अरे सही तो रही गलत क्यों बताऊंगा मैं वो कोई कह रहा है नहीं आ रहा है उसके लिए देखो जिसको नहीं आ रहा है इधर देखो d by dx of x into tan x होमवर्क नहीं करते हो तुम घर में इसका यही मतलब है x को बाहर रखा tan x को डिफरेंशिएट किया दूसरी बार tan x को बाहर रखा x को डिफरेंशिएट किया tan का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया था sec स्क्वायर x प्लस tan x x का डिफरेंशिएशन 1 तो आंसर है tan x प्लस x sec स्क्वायर x यही आंसर लिखा था आया समझ में जिसने पूछा था हाँ पक्का दूसरे का आंसर होगा जहां तक मुझे समझ आता है डिनोमिनेटर में ऊपर हो जाएगा मेरा x cos x माइनस sin x दूसरा का यही आंसर है सर परफेक्ट हां सर हां सर सर आपने वो sin थीटा / थीटा वाला लगाया तो सर जीरो आ रहा है कहां लगा लिया तुमने सर sin of x / x में अरे वो तो लिमिट होता है यहाँ डिफरेंशिएशन है अरे सॉरी सॉरी सर वो लिमिट का फॉर्मूला था ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड हो गया यस सर थर्ड का होना चाहिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 cos x इंटू cos x माइनस 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 प्लस 4 3 जाए 12 sin x sin स्क्वायर x देखो तो थर्ड का आंसर हाँ सर मैंने सॉल्व कर लिया सर सर मुझे 3 cos x प्लस 12 अपॉन 1 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर आ रहा है हाँ सर वो भी सही है आगे सॉल्व करेंगे तो हाँ वो सब करते हैं सो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई दिक्कत नहीं सर रेज करूं हाँ सर यस सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कोई दिक्कत अब देखो फोर्थ और फिफ्थ अरे कौन आवाज कर रहा है फोर्थ में देखो dy by dx is equal to नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज sin x plus cos x का स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज sin x plus cos x इनटू न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन तो ये इसी का होल स्क्वायर आ गया हाँ सर हाँ सर हाँ हाँ सर सर प्लस दूसरी बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बाहर रखा हाँ को डिफरेंशिएट किया तो साइन का कॉस कॉस का माइनस साइन तो हाँ सर माइनस साइन एक्स हो गया सर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको शायद दिख रहा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हाँ सर तो वो टू बाकी रहेगा खाली ऊपर डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा टू सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ सर तो आई से cos square 1 होता है तो फाइनली बचेगा 2 अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल लगा है ना? क्या हुआ? क्वेश्चन रूल लगा है ना? हाँ क्वेश्चन रूल लगाया, समझ के लिख लो एक बार, कहीं गलती हो तो बताना। लिखो तब तक मैं मार्कर रिफिल कर लूं। नेक्स्ट वीक से लेक्चर ढाई घंटे के कर दूं? चलेगा सर? हाँ सर चलेगा। सारे लेक्चर दो घंटे के बदले ढाई ढाई घंटे का? हाँ सर चलेगा। सर ढाई मतलब 2.5 ना? हाँ हाँ अगले वीक से सारे लेक्चर 2.5 आवर के करेंगे। बाकी जनता से भी पूछ लेते हैं। तो पोल क्या सर? बट क्लास का डे सेम रहेगा ना? हाँ सब कुछ वही रहेगा, जो कोई दिक्कत नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ 2 आवर एवरी लेक्चर विल बी ऑफ 2.5 आवर। ओके सर नो प्रॉब्लम। सर मतलब सुबह 8 to 10:30? हाँ 8 to 10 के बदले 8 to 10:30। सर पर हमारा स्कूल है सर। 7:30 to हाँ सर 7:30 to रखो ना सर। क्यों सर? 10:20 को स्कूल होता है सर। ओ स्कूल भी है? हाँ सर। देखो लफड़ा चालू हो गया सर। सर सुबह 7:30 कर दो। हाँ सर 7:30 चलेगा सर। 7:30 सर। हाँ बोलो ना बोलो सर। चलेगा सर। ये सर जो बोरी वाली ब्रांच है सर, उसमें वो लोग सर 11th का कब सिखाएंगे सर? अरे लॉकडाउन तो खुलने दे। 11th में तो अभी तुम्हारा एडमिशन भी नहीं हुआ। मुझे कितने मार्क्स लाया तुम लोग? मेरा नहीं था। नहीं जिसका था ऑब्वियसली उससे पूछूंगा, जिसका नहीं था उससे थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। कैसी बात करता है सर? ज्यादा अच्छे नहीं आए। सर मुझे 96.4% आए। 96? अरे वाह, क्या नाम है बेटा तेरा? समर्थ। समर्थ वेरी गुड। और कोई 95 प्लस रुपया है? सर 97। कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ अरे ये वशिष्ठ तो आईसीएससी है। ये वशिष्ठ तो आईसीएससी और उसने पूछा ना? नहीं नहीं आज आज जो सीबीएसई का रिजल्ट है उसका पूछ रहा हूँ। आज बताओ और कोई 95 के आसपास? 94 पार्थ मोरारिया रहेगा सर। पार्थ मोरारिया 95 है। पार्थ मोरारिया का। अरे पार्थ मोरारिया 95। तुम लोग पार्टी कब दे रहे हैं? सर 91। वेरी गुड। पार्टी कब दे रहे हैं तुम लोग? इतना मार्क्स तो मेरे जिंदगी में नहीं आए। मैं तो नर्सरी से आपका टाइम ही अलग था। नर्सरी से लेकर अभी तक के मार्क्स जोड़ लो तो भी तुम लोग के बराबर नहीं आएंगे मुझे। सर 90.4। वेरी गुड 90.4। बताओ यार कितने मार्क्स तुम लोग 90 सब लाता है। 90 से नीचे तो मैं सुना डॉट 90 सर। 96.6। अरे वाह ध्रुव 96, मजा आ गया। जीनियस है यार तुम लोग। डॉट 90 है सर। तुम लोगों का मार्क्स सुन सुन के मुझे जो है जलन होती है। इतना मार्क्स मुझे आया ही नहीं। सर आपको कितना मिला 10th में? अरे पूछ मत। 99.9 अभी 80% भी बहुत था भाई। अरे ये सब नहीं पूछते किसी से।
सर आप हमसे पूछ रहे हो ना सर तो आपने तो अभी अभी आया पॉइंट है सर को भी बोला था लोगों ने भूल गया मैं पूछेगा सर हमने बोल दिया तो आपको भी बोलना चाहिए ऐसे ही लाइक फेयर है ना अरे मुझे जितना मार्क्स आया था ना उतने मार्क्स पर लोग सुसाइड करते हैं आजकल सर बहुत ज्यादा फेंक दिया सर पता है आज सर ये वन मिनट काम नहीं चलेगा नहीं बराबर बोल रहे सर बराबर बोल रहे एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं सुसाइड कर देते लोग तो भाई जैसे लोग गए दो मिनट सुनो तुम लोगों का अकॉम्प्लिशमेंट है कि यू गॉट 95% 96% 97% 90% व्हाटएवर मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है कि द मार्क्स व्हिच आई गॉट उस पे लोग सुसाइड करते हैं बट आई सरवाइव दिस इज माय अकॉम्प्लिशमेंट सर ज्यादा हो गया ये भी अरे नहीं ये सही बात अरे सर आईआईटी तो गए ना सर इस टाइम पे सुसाइड करते हैं उस टाइम पे नहीं करते हां सर कोई सर आपने आप वहाँ गए इसलिए तो आपके 10th के मार्क्स कोई पूछता ही नहीं है ना सबको लगता है आपको 90 अभी आया होगा इसलिए तो आपका वहाँ पे हुआ सर आपने कौन सा इंजीनियरिंग किया मैं भी उसी से काम चला रहा हूँ कि सबको ऐसा लगता है चलो ठीक है बढ़िया है ना आपने कौन सा इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल दो मिनट ये फिफ्थ क्वेश्चन कर लेना मैं नहीं बताने वाला ओके सर नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ सब झोल है फिजिक्स बोल के मैथ पढ़ाता रहता हूं देखो डिफरेंशिएशन ऑफ केमिस्ट्री में फिजिक्स कर रहे हैं एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन सही बात है सर वो लगा रहे थे ना हाँ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लॉगरिथम्स क्या होता है बताता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अब दिख रहा है स्पेलिंग बढ़िया से डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहली चीज मैं ये बता दूं कि पाई एक कांस्टेंट है हाँ हाँ सर डेफिनेशन क्या है कहाँ से आया पाई सर अगर एक सर नंबर लाइन पे एक नंबर को अगर पाई से मल्टीप्लाई करते तो नंबर लाइन सर्कल बन जाता पाई क्या है मैं पूछ रहा हूँ तो पाई से मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ से आया मतलब सर वो सर्कल को एरिया फाइंड आउट करने में यूज होता है सर वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो था सर सर पाई होता है ये सबसे सही सर सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो था मुझे नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता हम लोग दोनों भी बोथ आर इन सेम बोट नहीं दोस्तों मैं जो कहता हूँ वो सुनो जैसे पाई एक कांस्टेंट है ये तो मालूम है हाँ सर वैसे ही हाँ जिसका कुछ डेफिनेशन है जो तुम्हें नहीं पता बात खत्म वैसे ही एक और कांस्टेंट है जिसको ई कहते हैं ई ठीक है क्यों कहाँ कैसे आया इसका मैथमेटिक्स बहुत है इसके तीन चार डेफिनेशन है कोई मीनिंग नहीं है बताने का अभी सिर्फ ये समझ लो ई एक कांस्टेंट है जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14 और खूब सारे वैसे हैं वैसे ई की वैल्यू भी 2.7 कुछ कुछ होता है वैल्यू से मुझे नहीं मतलब है बट ई एक कांस्टेंट है ओके ठीक है अब पहली चीज लॉग ऑफ एनीथिंग हैविंग बेस ई इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में एल एम एक्स लिखते हैं दोनों एक ही बात है सर लॉग होता क्या है ओ 90s में लॉग वर्ड नहीं सुना है सर हम सीबीएसई नहीं सुना है नहीं सर कभी नहीं सुना है आईसीएसई में था वो सीबीएसई में था एग्जाम था सर ग्राफ बुक की लास्ट पेज पे होता था जो कभी पढ़ते नहीं थे हम लोग हां तो फिर मैं नहीं पढ़ते तो मैं क्या पर सर एसएससी में तो था ही नहीं ना
हाँ सर नहीं था, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मैं हम लोग नंबर से डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, तो शायद तुम्हें लॉग के वैल्यू की कहीं कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत होगी मैं बता देता हूँ। तो लॉग ऑफ एक्स जहाँ बेस ई लिखा रहे उसको कैलकुलस में ln x लिखा रहता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। सो डिफरेंशिएशन के हिसाब से पहला फॉर्मूला, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, जबरदस्ती प्योर मैथमेटिक्स हो जाएगा, समझोगे भी नहीं, टाइम भी जाएगा। अगर कहीं d by dx of ln x दिखाई दे तो इसकी वैल्यू 1 by x के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला d by dx of ln x में log x हो और बेस a हो, ठीक है, मतलब बेस e नहीं, बेस कोई दूसरा नंबर हो, एग्जाम्पल भी अभी लिखेंगे, तो ये मेरा हो जाता है 1 by x का 1 by x तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये हो जाएगा log a with base e या ln a कह दो इसको, दो मिनट हो जाना, क्या है कि हम लोगों को ये सब फॉर्मूला की जरूरत होती नहीं है, काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको यूज कैसे करते हैं, ये देखिए, कॉपी मत कीजिएगा प्लीज। अगर कहीं मान लीजिए मुझे निकालना है d by dx of log 5 log x to the base 5, ठीक है, एक मिनट, जैसा मैं चेंज इन बेस करके देखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, तो यहाँ पर log, एक मिनट रुक जाना, वो हम लोग क्या है कि हम लोग तो log x to the base ये हो जाता है 1 by x और यहां पर ln a। तो अगर कहीं मान लीजिए d by dx of log x to the base 5 है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 by x और x के साथ मल्टीप्लाइड में ln 5, मतलब log 5 to the base e। और अगर यहाँ a नहीं रहे केवल ln रहे तो 1 by x, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन की कहानी। अब बोलो बोलो कुछ बोल रहे हो सर, ln का वैल्यू क्या होता है? ln का जैसे कोई तुम पूछोगे साइन का वैल्यू क्या होता है, कोई मतलब थोड़ा ना है, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ समथिंग, ओके, वैसे ln का समथिंग, हां तो ln कुछ नहीं है, ln फंक्शन है, ln मतलब log with base e, ओके सर, log log with base e ऑफ x, x हो सकता है x की जगह कोई x होगा तो फंक्शन बोलेंगे, x की जगह कोई नंबर होगा तो वैल्यू बोलेंगे, ओके, जैसे साइन 30 डिग्री तो x की जगह 30 डिग्री है तो वैल्यू है 1 by 2, और केवल साइन x है तो फंक्शन है, बराबर है ना? हाँ सर। दूसरा d by dx of e raised to x, e raise to x ही होता है, लेकिन e के बदले अगर कुछ और हो, मान लो कुछ कांस्टेंट रेज टू x हो, तो ये हो जाएगा a रेज टू x मल्टीप्लाइड विद ln a। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देना जरूरी है, अगर मुझे d by dx of 5 रेज टू x निकालना है तो ये हो जाएगा 5 raised to x into ln 5, है ना? तो रुको रुको लिखना मत, मैं जो कहता हूँ सुनो। Yes, आज मैंने आपको बताया साइन का डिफरेंशियल कॉस, बताया? हाँ सर। हाँ सर। कॉस का माइनस साइन। हाँ। यस सर। टेन का सेक स्क्वायर। यस। यस सर। सेक का सेक एक्स इनटू टेन एक्स। यस।
कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर यस सर का माइनस कोसेक इनटू कॉट छह फॉर्मूला बताया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में यस दो फॉर्मूला लॉगरिथमिक फंक्शन का और दो फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए इतने ही होते हैं ओके बाकी सॉल्व करने के मेथड्स हैं वो हम सीखते चलेंगे अभी ठीक है सर सर अभी समझो आपने बोला कि ln of a तो ln of a को कैसे फाइंड आउट करेंगे सर a कोई नंबर होगा हाँ ln of 5 ओके तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है हाँ सर कैलकुलेटर में देखो ln फंक्शन दिया होगा जैसे साइन कॉस टैन रहता है वैसे ही ln भी होगा हाँ सर l हाँ सर log of जो भी निकालना है 5, 6, 10 whatever जो मन करे निकालते रहो तो सर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ना सर वैल्यू तुम्हें निकालना ही कम नहीं पड़ेगा तुम्हें तो फंक्शन से डील करना है बट हाँ करना पड़े तो वैसे वैसे नहीं किसी को याद नहीं रहता है लॉग का वैल्यू ओके स्कूल में देखते थे लॉग टेबल चार्ट होगा ना इसका कोई चार्ट होगा ना हाँ हाँ स्कूल में लॉग का चार्ट लॉग का टेबल हाँ लॉग टेबल बिकॉज ऑल लॉगरिथमिक वैल्यू नोबडी कैन रिमेम्बर यस सर And definitely you need not have to deal with those numbers. What you have to deal with is logarithmic functions only. Where finding out log of any number is not required at all. Okay. So sir, the answer will be in MCQs. It will be given in log form. Yes. Okay, sir. Sir, NEET will also come in log? No, it will not come. KVPY? It will come. Okay, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए इसकी प्रैक्टिस कराता हूं आपको सर हाँ सर ये जो भी सब आप पढ़ा रहे हो उसमें जेई एडवांस एंड जेई मेंस दोनों का पोर्शन है सिर्फ दोनों का पेपर पैटर्न अलग होता है ना हाँ बेटा जेई मेंस जेई एडवांस बोर्ड जो कह लो सब है फर्क क्या होता है डिफिकल्टी लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट्स ऑल सर एडवांस का सिलेबस ओके ओके सर है ना हाँ सर सर एडवांस का सिलेबस नहीं होता है ना सिलेबस होता है कौन बोला नहीं होता है सर नहीं मैथ्स में कुछ भी आता है बट ये बोलते कुछ भी पूछ लेते कुछ भी आता तो पढ़ते ही क्यों सुनो सुन सब जैसे मैं बोलूं कि सिलेबस में एडिशन है तो बोर्ड में पूछेगा 2+2 कितना होता है तो बोलोगे 4 होता है ठीक है अच्छा जेई मेंस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जेई मेंस में पूछेगा 1.5+1.5 कितना होता है तो बता दोगे 3 होता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा है ना जेई एडवांस में जाओगे तो वही पूछ देगा 4/3+3/4 कितना होगा बट सिलेबस में तो एडिशन ही लिखा है तीनों के हाँ सर तो समझ आया सिलेबस और पूछा जाता है उसमें क्या फर्क है ओके सर बाकी टेंशन मत लो बाकी हमारा काम है तुम लोग करते रहो जो कहता हूँ सर log of बेस लॉग विथ बेस ई और लॉग विथ बेस ए अलग है ना अलग है ई इज अ फिक्स नंबर ए इज एनी कांस्टेंट ओके ई जैसे पाई पाई भी कांस्टेंट है 1, 2, 3, 4, 5 भी कांस्टेंट है तो पाई एक डिफाइंड कांस्टेंट है बाकी सबको के बोलते हैं ओके हाँ सर है ना ओके सर सर एक मिनट आज टोटल मैंने आपको 10 फॉर्मूले दिए बस डिफरेंशिएशन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 लॉगरिथमिक फंक्शन के 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 10 फॉर्मूले हो गए और इससे पहले एक फॉर्मूला दिया था x रेज टू n का तो 11 फॉर्मूले हो गए तो फॉर्मूले 11 हैं बाकी ये सब जो कहते हो प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल आगे चल के चेन रूल पढ़ेंगे ये सब रूल है तो रूल और फॉर्मूले में फर्क होता है फॉर्मूले 11 बस इतने ही है नए नए रूल नए नए टेक्निक सीखते चलेंगे सर हाँ
चेन रूल वो अंडर रूट को अंडर रूट के सॉल्व करने में इजी मुझे नहीं आता, अगले लेक्चर में पढ़ाऊं। सर मैंने देखा था वो यूट्यूब पे, मेरे को नहीं समझ रहा था ना सर, वो आपने 10th क्वेश्चन भेजा था तो उसमें वो लोग चेन रूल यूज कर रहे थे, तुमको मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो हम भी करेंगे, हम भी अगले लेक्चर में चेन रूल सिखाएंगे, तब तक मैं भी सीख लूंगा थोड़ा, फिर तुम्हें सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। सर वो लॉग बेस ई एक्स का वो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स एल एन एक्स एल एन एक्स है ना, हाँ एल एन एक्स। ठीक है सर, ठीक है इरेज करूं? हाँ सर। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला तो आप रख लेंगे, यूज कैसे करते हैं देखिए। कुछ क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ क्वेश्चन वन, जो मन करो y is equal to x into ln x. Question 2, y is equal to ln x upon x. Question 3, y is equal, practice कीजिए just, x square into ln x. Question 4, y is equal to e raised to ln x upon x square. E raised to x plus 1. Question 5, y is equal to e raised to minus x upon e raised to minus x plus 1. Question number 6, y is equal to 3 raised to x into ln x. Question number 7, y is equal to 2 man karen dikho mujhe itna hi kar do, 6 question kar do. सर फर्स्ट का ln x प्लस 1, हाँ वेरी गुड। सेकेंड का 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर है। सेकेंड का क्या बोल रहे हैं, बोलिए सेकेंड का 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। सर e रेज़ टू पावर ऑफ nx का भी डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x ही होगा ना? नहीं सिखाऊंगा जब तक, अभी नहीं, चेन रूल में सिखाऊंगा। सर वो तो फिर इस क्वेश्चन में आ गया ना सर, 5 और चुप कर नहीं आएगा, अल्लाह मत कर। अच्छा ठीक है सर, फर्स्ट का आंसर 1 प्लस ln x आया। हाँ सर। यस सर। सर नहीं सर। सेकंड के आंसर में नीचे हो गया x स्क्वायर। 1 माइनस ln x। 1 माइनस ln x। हाँ सर। हाँ फर्स्ट किसको नहीं आया? सर मुझे। ओ भाई साहब। तुझसे तो बस लॉकडाउन खत्म होने दे, तुझसे तो रोज समोसे खाऊंगा मैं। बहुत मेहनत करवाया मुझसे। क्या नाम है बेटा तेरा? सर्वेश। सर्वेश कहाँ मिलेगा, किस सेंटर पे तू? खारघर। कहाँ? खारघर में। हाँ सर, आप कौन से सेंटर में जाओगे? खारघर जाऊंगा समोसे खाने में। x into ln x, तो क्या करो, पहले x को बाहर रखा, ln x को डिफरेंशिएट किया,
रेड नहीं दिख रहा है तो रेड को हटा दो, ब्लैक से लिख रहा है। पहले एक्स को बाहर रखा, फिर एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरी बार एल एन एक्स को बाहर रखा, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। कोई दिक्कत बेटा सर्वेश? बोलो सर। हाँ सर हम क्वेश्चन में डाउट था सर। सर थर्ड वाला, अरे आते हैं थर्ड पे, पहले फर्स्ट। सर्वेश कोई दिक्कत यहाँ आता है? नहीं नहीं। अभी सीखा था एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? क्या? वन बाय एक्स। वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन। बोलो सर्वेश। सर वन कांस्टेंट है। वन, वन कांस्टेंट का है, एक्स है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया वन प्लस एल एन एक्स। पक्का? तो वहाँ पे अगर कांस्टेंट होता तो जीरो होता ना, एक्स के जगह टू नहीं तो हाँ हाँ तो जीरो होता। कागज में ढूंढ ले भाई, बढ़िया समोसा का दुकान, आऊंगा मैं समोसा खाने। तो ले लिए थर्ड, थर्ड का आंसर होगा एक्स प्लस 2x ln x plus 2 ln x x into ln x। हाँ सर यही। हाँ सर। हाँ सर यही यही यही। फोर्थ का आंसर डिनोमिनेटर में e raise to x plus 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर। अपॉन e x plus 1। ऊपर आपका हो गया e raise to x plus 1 into e raise to x। नहीं सर मेरे पहले e raise to x है। माइनस, अच्छा माइनस आपने ऊपर किया। e raise to x into e raise to x, तो ये सब ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सर e raise to x plus 1 बाकी रह रहा है। x upon e raise to x plus 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर ये है। आंसर आया फोर्थ का? हाँ सर। हाँ सर। सर किधर, सर किधर तो रॉन्ग हो रहा है मेरा। हाँ तो ढूंढो कहाँ रॉन्ग हो रहा है। yes, okay, हाँ सर समझा समझा। फिफ्थ में आते हैं, सर फिफ्थ के डिनोमिनेटर में e raise to minus x है। हाँ minus x है। तो आपकी वीडियो लैग हो रही है पता नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं सर। सर आप सेकंड लास्ट स्टेप समझा सकते हो फिर से फोर्थ का? e raise to x plus 1 डिनोमिनेटर कॉमन लिया। हाँ सर। न्यूमरेटर e raise to x को डिफरेंशिएट किया तो वही रह गया। हाँ सर। तो e raise to x plus 1 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय e raise to x माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज e raise to x। हाँ। डिनोमिनेटर e raise to x plus 1 को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 और e raise to x का e raise to x ही रह गया। हाँ। तो हो गया e raise to x into e raise to x। हाँ सर। अब ब्रैकेट को एक्सपेंड करो तो e raise to x, हाँ समझ गया समझ। e raise to x का टर्म प्लस और माइनस दोनों में है तो कैंसिल हो गया। हाँ सर समझ गया सर। ओके बधाई हो। सर वो फर्स्ट वाले ने आपने प्रोडक्ट रूल किया? हाँ फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट रूल लगाया है सर। फिफ्थ वाले का आंसर क्या सर? फिफ्थ वाले का आंसर वन। आते आते हैं फिफ्थ बताता हूँ, पहले इतना हो जाए इरेज कर लूँ तो फिफ्थ भी बताऊंगा, घबराओ नहीं।
इरेज करूं 1 to 4 तक? हाँ सर। चलो 1 to 4 तक हो गया तो इरेज करता हूँ, 5th और 6th देखो। y is equal to e raised to minus x upon e raised to minus x plus 1, यही है। तो ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 1 plus e raised to x, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। सब लोग देखो, दोबारा नहीं बताऊंगा, नहीं आता मुझे, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, इसमें e raise to x के बदले x की जगह पे माइनस x रख के भी सॉल्व कर सकते हैं ना सर? नहीं समझा। e raise to माइनस x को 1 upon e raise to x लिख सकते हैं, ये तो समझ आता होगा। हाँ सर समझ गया। अब समझ गया, ये होगा तो dy by dx, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा और 1 को डिफरेंशिएट किया, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस दूसरी बार 1 को बाहर रखा, डिनोमिनेटर 1 प्लस e raise to x को डिफरेंशिएट, e raise to x ही बाकी रहेगा, माइनस e raise to x हो गया, माइनस हो गया, ये e raise to x हो गया अपॉन 1 प्लस e raise to x का होल स्क्वायर हो गया, तो फाइनली आंसर इज माइनस ऑफ e raise to x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e raise to x का होल स्क्वायर। आया समझ में? सर मुझे e raise to minus x upon e raise to minus x plus 1 the whole square आ रहा है। e raise to minus x को 1 upon e raise to x करके देखो तो सेम आंसर आ रहा है क्या? एक मिनट सर। सेम आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो कुछ गलत किया होगा आपने। हाँ सर मुझे यही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। माइनस ही क्या आ रहा है सर? माइनस ही नहीं आ रहा, पर प्लस ही आ रहा है, तो गलत आ रहा है। ओके ठीक है सर, आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। dy by dx is d by dx of 3 raised to x into ln x, ऐसा है।
तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 3 रेज टू x बाहर, d by dx of ln x प्लस दूसरी बार ln x बाहर d by dx of 3 रेज टू x, ऐसा होगा। तो ये हो गया 3 रेज टू x ln x का 1 by x तो अपॉन x प्लस ln x into 3 raise to x का हो जाएगा 3 raise to x into ln 3, ऐसा होगा। देखो अभी फॉर्मूला बताया था उसी में पुट करना है। बोलो समझ आया सबको? समझ गया सर। क्या हुआ? लिख लिया सर। का सर तो असाइनमेंट का आंसर क्वेश्चन पेपर आज जो सिखाया लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका असाइनमेंट भेज देता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय Bye, sir. Thank you, sir. Yeah.